वट सावित्री पूजा को लेकर पूरे देश में जो उत्साह है वो महिलाओं के बीच है। बता दें आपको कि वट सावित्री पूजा को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो वट सावित्री पूजा कर रही है। वहीं बिहार के लखीसराय से वीडियो आया है निकल के सामने, जहां शहर सहित गाँव में आज पति की दीर्घ आयु व संतान सुख की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं जो हैं वो वट सावित्री पूजा कर रही है। बता दें आपको कि वट सावित्री पूजा को लेकर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं बता दें आपको कि सुबह से ही वट वृक्ष की पूजन अर्चना के लिए जो है महिलाएं वो जा रही हैं। सुबह से ही वट यमराज सत्यवान सती सावित्री की आराधना व कथा श्रवण कर सुख समृद्धि की प्रार्थना भी महिलाएं कर रही हैं। वहीं सुबह से ही विधि विधान पूर्वक व्रत का अनुष्ठान कर परिक्रमा व अमृतत्व का धागा लपेट कर स्तुति किया जाता है। वहीं बता दें आपको कि ज्येष्ठ मास के अमावस्या को वट सावित्री व्रत कथा व पूजन का विशेष महत्व है। वहीं मान्यता के अनुसार जो है इस दिन यमराज से अपने मृत पति सत्यवान को सती जो है वो वाक् चतुर्थया से जीवित करा लेने वाली सावित्री जो है वो स्मरण कर सुहागिनों के वट सावित्री का श्रद्धापूर्वक पूजन किया जाता है। वहीं पर्व पर धार्मिक क्रिया जो है वो क्रिया कलापों के द्वारा केंद्र जो है वो बड़गद वृक्ष 16 सिंगार से सजे रहते हैं। वहीं इस बहुप्रचलित कथा में निहित अनुष्ठानों का अनुसरण करते हुए सुहागिनों से जो है वो सूर्योदय से पहले व्रत रखती हैं। वहीं इसके बाद विधि विधान सामग्रियों के साथ वट वृक्ष का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। वहीं लखीसराय से ये वीडियो निकल के आया है, जहां विधि विधान पूर्वक जो महिलाएं हैं वो पूजन कर रही हैं, वहीं कथा सुन रही हैं, वहीं वहां के जो स्थानीय पुजारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। आज की पूजा की क्या महत्व? आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज लोक से लाकर इस पृथ्वी पर यह साबित कर दिया कि नारी पतिव्रता यदि हो तो भगवान भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह ऐसा व्रत है जो सुहागन के लिए एकदम कर्मठ योग्य और सहनशीलता का परिचायक है। इसमें स्पष्ट शास्त्र में दिया गया है कि सास ससुर का प्रणाम कर सास ससुर की आज्ञा के अनुसार अगर जो कार्य करता है उससे कभी पति साथ नहीं छोड़ता, उसे पुत्र विहीन नहीं होना पड़ता और उसे कन्या की प्राप्ति जो होती है वो लक्ष्मी योग्य होती है। यह इसमें महिलाओं क्या करती है सुहागिन महिला? यह इसमें सुहागिन महिला प्रातः स्नान करती है, स्नान कर 16 श्रृंगार से सजकर वट वृक्ष के निकट आकर वह पूजन करती है, जिसमें ऋतुफल नैवेद्य और श्रृंगार का सामान को अर्पित करती है, फेरी लगाती है और कथा सुनती है।